हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए फील्ड एग्जीक्यूटिव का जॉब, यस, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सर्दी लगा हुआ है इसलिए थोड़ी नाक से बोलना होता है, बराबर प्रॉपर जो है आवाज़ नहीं जो है आपको शायद होगी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, क्लाइमेट पूरा ठंडा हो रखा है बेंगलोर का, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो गाइस, ये जो जो होने वाली है फील्ड वालों के लिए, जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, सैलरी इसमें रहती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। सैलरी एक्चुअल सीटीसी सैलरी, सीटीसी बोले तो जो कंपनी की तरफ से सैलरी आती है वो सैलरी रहती है इसमें, है 20,000 से लगाकर 25,000, 20,000 से लगाकर 25,000 सैलरी इसमें जो रहती है, वो 6 मंथ से लगाकर 1 साल का जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट रखता है फील्ड वर्क में, जिसको 6 महीने से लगाकर 1 साल तक का जो फील्ड वर्क में एक्सपीरियंस है, उस बंदे के लिए सैलरी रहती है 20 से लगाकर 25,000। और जिसको एक्सपीरियंस जो है साल से लगाकर 2 साल 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, उस कैंडिडेट्स के लिए सैलरी रहती है 25 से लगाकर 30,000। और जिस बंदे को जो है एक्सपीरियंस है 6 साल 5 साल, तो उस बंदे का सैलरी रहता है 30 से लगाकर 35-40,000 तक भी इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा। अब सैलरी जो है यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकता, रीज़न ये रहता कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार आप अपना रेज्यूम लेके कोरमंगला ऑफिस आना पड़ेगा, तो वहाँ आके अपना जो है F2F इंटरव्यू रहता, फेस टू फेस आमने सामने बैठ के जो इंटरव्यू दिया जाता है, वहाँ एक बार आप इंटरव्यू अटेंड कीजिए। उस इंटरव्यू में आपकी जो है सैलरी डिसाइड होती है कि आपकी क्या सैलरी है, आपको कितना एक्सपीरियंस है फील्ड वर्क में, आपने कितना नॉलेज है, कितने साल आपने जो है फील्ड वर्क में काम किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी से जो है सैलरी फिक्स की जाती है, फिक्स होती है। संडे संडे इसमें वीक ऑफ रहती है, हर एवरी संडे इसमें जो छुट्टी रहती है, वीक ऑफ रहती है। टाइमिंग इसमें जो है 8 से लगाकर 9 घंटा रहता है, 8 से 9 घंटा बोले तो घर से लगाकर जो ऑफिस का टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग जो है इसमें 8 से लगाकर 9 घंटा रहता है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है फील्ड वर्क में, अच्छा आप कर सकते हैं फील्ड वर्क, तो इस जॉब को 5 से 6 घंटे में भी जो करने वाला बंदा कर सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं रहता इसमें, अपने घर से सुबह निकलना पड़ता है फील्ड के लिए, कंपनी की तरफ से जो एरिया दिया जाता है उस एरिया में निकलना पड़ता है, जैसे लाइक शॉप हुआ, दुकान हुआ, वेयर हाउस हुआ, या जो भी XYZ कंपनी की तरफ से जो बताया जाता है, वहाँ जाके आपको ऑर्डर कलेक्शन करना पड़ता है, ऑर्डर प्लस कलेक्शन। कलेक्शन बोले तो जो पिछला ड्यू है कंपनी का वो जो है बिल कलेक्शन करना पड़ता है, पेमेंट रिसिप्ट करना पड़ता है, प्लस नया ऑर्डर जनरेट करना पड़ता है, नया ऑर्डर नया लीड लेना पड़ता है, अगले वाले बंदे के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का ज़रूरत है, और अपने पास कौन सी चीज़ें अभी अवेलेबल है या प्रोडक्ट अवेलेबल है, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको कैसे इंक्रीज करें और सेल्स को कैसे बढ़ाए, तो वो जो है मार्केट में जाके आपको काम करना रहता है। फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट ऑफिस आना रहता है, दिन का जो है 20-25 जो भी XYZ कंपनी की तरफ से आपको टारगेट दिया जाता है, और जो है विजिट करके जो है आपको ऑफिस आना पड़ता है, वहाँ कलेक्शन और बिल दोनों सबमिट करवा के बस अपना घर आना पड़ता है। वो यही काम रहता है फील्ड एग्जीक्यूटिव का। इसमें जो है अच्छा एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है करना चाहता है तो कर सकता है, और न्यू बंदा भी इसमें जो है अपना लक आजमा सकता है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी कम रहती है। लेकिन जो भी ये जॉब करना चाहता नया बंदा, उसके लिए एक बात बता दूं कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी जॉब है ये। फील्ड वर्क बोले तो अगर एक बार बंदा इस जॉब में कर लेता है तो मेरे कहने का मतलब कि वो छोड़ता नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता उसको। अगर जो बंदा फील्ड का काम या फिर सेल्स का काम अगर एक बार कर लेता है तो वो मार्केट में कहीं पर भी जो है अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी बोली चाली हाल चाल सब कुछ जो है चेंज हो जाता है। वहाँ जो है कस्टमर के सामने एकदम अट्रैक्टिव जो है फटाफट और जो है जल्दी जल्दी होशियार होकर बोलना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें जो है नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस बढ़ता है कैंडिडेट को, और इस जॉब में जो है ग्रोथ भी रहती है। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे सेल्समैन का काम करेंगे स्टार्टिंग, और बाद में धीरे धीरे आप कहीं अच्छी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का, उसके बाद जो है मार्केटिंग सेल्समैन का, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, मार्केटिंग मैनेजर का, ये सब जो है बड़ी बड़ी पोस्ट रहती है, उन सब में जो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड का, नॉलेज का, कि प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाके सेल कैसे करें, उसको बेचें कैसे, लीड कैसे जनरेट करें, सेल्स कैसे बढ़ाएं, और वही चीज़ें जो रहती है मार्केट बंदों के लिए अच्छी रहती है। और हर कोई कंपनी
अपना जो है मार्केटर या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर करती करती है, और अच्छी अच्छी डिमांड रहती है, अच्छी सैलरी रहती है उसमें, और अच्छी जो फैसिलिटी भी जो कंपनी की तरफ से दी जाती है उस बंदे को। कभी कभी तो कंपनी जो है आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेजती है, और अपना पूरा पूरा खर्चा जो है कंपनी खुद देती है उसको। तो गाइस फील्ड वर्क आप लोगों के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रहती है इसमें 18 से लगाकर 35 साल। अगर आप 18 से लगाकर 35 साल के हैं तो ये बन जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है बाइक मेंटेनेंस रहती है, बाइक चाहिए ही चाहिए रहती है, बाइक और डीएल जरूरी रहता है इसमें। लैंग्वेज इसमें जो है आपकी कौन सी भी रहने तो चलती है, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश ही आना चाहिए। इंग्लिश हिंदी नहीं तो इंग्लिश कन्नड़ा नहीं तो कन्नड़ा हिंदी, दो लैंग्वेज का इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दो लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए इसमें। तो गाइस रिक्वायरमेंट ऑल ओवर बेंगलोर में रहता है, ऑफिस रहता है इसमें जो है इंटरव्यू लोकेशन कोरमंगला। कोरमंगला में ऑफिस एग्जैक्ट कहाँ पे है, तो जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे अपना रेज्यूम सेंड करके लिख के भेजें। आई एम इंटरेस्टेड इन FMCG प्रोडक्ट या फिर सेल्स मैनेज मार्केटिंग जॉब, तो मैं आपको जो है अपना ऑफिस एड्रेस विजिट कर भेजूंगा और नंबर भी भेजूंगा, वहां आप जो है अपना इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। जॉब ऑल ओवर और बेंगलोर में रहती है, ऑनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है ये जॉब। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी जॉब, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी फील्ड वर्क वालों के लिए है, और अच्छी बहुत मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है, और बिल्कुल भी फ्री जॉब है ये, कोई भी आपसे जो है चार्ज नहीं लिया जाता है। मैं कई बार भी इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि हमारी कंपनी की तरफ से जितनी भी जॉब आती है वो सब की सब फ्री रहती है, बिना किसी चार्जेस के, जीरो प्रोसेसिंग फीस के। हम लोग दूसरी कंपनी की तरफ तरह से जो है या फिर दूसरे जैसे कंपनी वाले लेते हैं लड़के लोगों से 3,000 4,000 ज्वाइनिंग फीस के नाम पे या फिर ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम से, वो सब नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की कंपनी को कैंडिडेट की ज़रूरत रहती है, ना कि हम लोग जो है दूसरी कंपनी में हायर मतलब भेजते हैं, तो वो काम सब नहीं रहता है। और ऐसा भी नहीं कि जो है मैं कहीं से भी एक जॉब उठा के लेके आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा। हम लोगों को सिर्फ जॉब बताना नहीं रहता है, हम लोगों का मोटिव ये भी रहता है कि आपको उस जॉब के लिए तैयार करना, उस जॉब के लिए आपको बुलाना और वहाँ जो इंटरव्यू करवा के आपको जो है उस जॉब में लगवाना, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है हम लोगों का। तो गाइस जो जो इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे रिज्यूम शेयर करें। तो फ्रेंड्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर लें, लाइक आने पर पसंद आने पर लाइक कर लें, और कमेंट्स करना कभी ना भूलें। जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट्स में जरूर करें। और गाइस एक और बात, मेरे पास कल जो है किसी का जो है एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर आप तो बोल रहे थे कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ वो कल बंदा बोल रहा था, जबकि वो बंदा सैटरडे से मुझे कॉल कर रहा था। और मैं कई बार ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि सैटरडे संडे हम लोगों को कॉल ना करें, सैटरडे को हम लोग ऑफिस वर्क में बिजी रहते हैं, संडे को अपनी फैमिली के साथ बिजी रहते हैं। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ को थोड़ा समझें और थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दें कि सैटरडे संडे कभी ना कॉल करें, हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं 9 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे तक, सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक। और एक बात कि मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि नेक्स्ट मंथ हमारी कंपनी जो है आपने जो ज्वाइनिंग फॉर्म भर के छोड़ा था उस ज्वाइनिंग फॉर्म को जो रिव्यू करेगी मतलब फ़ोन करेगी, जो आपने ज्वाइनिंग फॉर्म भरा था ना उसमें आपका पूरा डिटेल्स है हम लोगों के पास, फ़ोन नंबर, आपका गांव, आपका एक्सपीरियंस, आपका नाम, सब कुछ हम लोगों के पास है। तो कल से हम लोगों की टीम उन बंदों को कॉल करेगी कि भाई तो अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या कर रहा, काम नहीं कर रहा था, हम लोगों के पास ये काम है या ये जॉब है, आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हो, पूरा डिटेल्स जानने के लिए हमारे जो वीडियो को देखें या फिर हम लोगों से संपर्क करें। तो वो सब जो है हम लोग अभी कल से चालू करने वाले हैं। और एक बात, नेक्स्ट गुरुवार से या शुक्रवार से मैं आपके लिए 3 दिन तक ऑनलाइन रहूँगा, आप चाहे तो हम मेरे साथ ऑनलाइन चैट में जुड़ सकते हैं नेक्स्ट शुक्रवार से या गुरुवार से, जो भी है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वो मेरे हिसाब से जो है कंपनी गुरुवार ही प्लान कर रही है, तो गुरुवार से मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन चैटिंग पे अवेलेबल रहूँगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हम लोगों से ऑनलाइन चैट कर सकते हैं कि सर अभी कौन सा जॉब चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम इस जॉब का क्या सैलरी है, या फिर प्रेजेंट टाइम ये जॉब अवेलेबल है या नहीं है, या फिर मेरे लिए मेरे जो कौन सी जॉब है, या फिर मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए आप कौन सी जॉब जो है रेडी करेंगे, जो भी XYZ हम लोग जो है ऑनलाइन चैटिंग चालू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो गाइस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी
के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।